दोस्तों हमारे किसी एक यूज़र का पेशा है, मुझे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इंटरनेट पर डाउनलोड होने वाली फाइल की लोकेशन चेंज करना है। जैसा कि हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो देखिए ये फाइल डाउनलोड हो रही है। अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद सी ड्राइव के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आई है ना, तो आप चाहते हैं इसकी लोकेशन चेंज हो जाए। हम चाहते हैं ये फाइल यहाँ पर सेव नहीं हो, डाउनलोड होने के बाद फाइल सेव हो डी ड्राइव के अंदर पर्टिकुलर फोल्डर में। तो कैसे होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डी ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर फोल्डर बना लूँगा, यहाँ पर लिख देंगे डाउनलोड इंटरनेट फाइल, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर सेव हो। तो ये कैसे कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, कौन सा तरीका अपनाएं जिसके द्वारा हम अपनी सिस्टम की डाउनलोड फाइल की लोकेशन को चेंज कर सके। तो आप भी करना चाहते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट है तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। तो आपको करना क्या है, इंटरनेट को ओपन करना है। इंटरनेट ओपन होने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मिल जाएगी सेटिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है लोकेशन, तो आपको यहाँ पर चेंज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डी ड्राइव में सेव करनी है सारी डाउनलोड वाली फाइल। तो आप डी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। किस में रखना है आपको, मुझे रखना है यहाँ पर ये इस फोल्डर में, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया फोल्डर, ठीक है। अब जब भी आप डाउनलोड करेंगे ये पर्टिकुलर फोल्डर और पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाएगी। इसका पाथ यहाँ सेव हो चुका है, ठीक है। ये पाथ का विशेष ध्यान रखें, जो ये जहाँ पर जो भी पाथ ढला हुआ है फाइल सेव का, जहाँ होनी है लोकेशन का, उसी में आपको आपकी इंटरनेट से डाउनलोड हुई फाइल दिखाई देगी। ओके, चलिए मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डाउनलोड पर जाएंगे, फाइल को डाउनलोड करेंगे। ये देखिए फाइल डाउनलोड हुई है, हो रही है फाइल। तो यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। हम जाएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में, देखते हैं वहाँ सेव हुई है कि नहीं। तो देखिए वहाँ सेव नहीं हुई है ना, ये पिछली फाइल है। चलिए इसको हटा देते हैं हम, और यहाँ पर हम जाएंगे डी ड्राइव के अंदर, ये है। और यहाँ पर कौन सा फोल्डर बनाया था, डाउनलोड इंटर फाइल, ये देखिए है ना। चलिए मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ एक और बार, डाउनलोड, देखिए फाइल डाउनलोड हो रही है। एंड यहाँ पर देखिए जाएंगे दिस पीसी, देखिए डाउनलोड में ये फाइल नहीं मिलेगी, ये देखिए है ना, ये पुरानी है, कल की है, देखिए ना। लेकिन यहाँ पर जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर ही मिलेगी, ये देखिए ये एक और आ गई, ये था, ये देखिए दूसरी फाइल आ गई ना। तो इस तरीके से आप इंटरनेट फाइल की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, सेव होने वाली जब भी फाइल डाउनलोड हो किस लोकेशन पर सेव हो सिस्टम के अंदर, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।